मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम ये डबल पोर्शन ट्रेवल बैग स्टिच करेंगे। ये बैग बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ है और बहुत ही यूजफुल है। इसको स्टिच करके आप ट्रेवल के लिए, शॉपिंग के लिए किसी भी यूज़ में ला सकती हैं। पिकनिक वगैरह कहीं भी जाते हैं तो ऐसे बैग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इस बैग में देखिए बॉटम की साइड में ये पॉकेट है, इसमें आप अपना लंच है या शूज सैंडल कुछ भी आप इसमें सेट करते हुए जिप से इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए। और इसमें फ्रंट साइड में एक जिप से पॉकेट है और इस साइड भी एक हमारी जिप से पॉकेट है। इसको हम देखिए साइड से ओपन करेंगे और इसमें भी देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है और एक इनर पॉकेट हमारी इस साइड है। इसपे अपना मनी है कुछ भी आप सेट करते हुए रख सकते हैं। इसको हम जिप से लॉक करेंगे। अपने सामान को देखिए इसमें सेट करते हुए इसको भी जिप से लॉक कर दीजिए। और इस बैग को हम देखिए इस हैंडल से देखिए इसको कैरी करेंगे। और इस बैग को आप देखिए ट्रॉली लगेज बैग में इस साइड से सेट करते हुए भी रख सकती हैं। फ्रेंड्स, ये बैग बहुत ही यूजफुल है, इसको आप जरूर स्टिच करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा डबल पोर्शन ट्रेवल बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए हम इस बैग को स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। डबल पोर्शन बैग बनाने के लिए हमने 12x18 के देखिए 2 क्वल्टेड पीसेस लिए हैं। इसमें हमने मेन फैब्रिक रबर शीट को लेते हुए साइड से स्टिच करके इस क्वल्टेड पीस को हमने रेडी किया है। तो हमें 12x18 के 2 क्वल्टेड पीसेस लेने हैं और 2 हमें ये प्लेन पीसेस लेने हैं 12x18 के। ये हमने 4x28 का एक क्वल्टेड पीस लिया है और ये हमने 7x11 का देखिए एक क्वल्टेड पीस लिया है और एक हमने ये प्लेन पीस लिया है 7x11 का। और ये हमने 6x9 का एक क्वल्टेड पीस लिया है। 5x8 का ये हमें एक क्वल्टेड पीस लेना है और ये हमने 8x12 के 2 प्लेन पीसेस लिए हैं। 1 हमें देखिए मेन फैब्रिक का प्लेन पीस लेना है और 1 हमें ये लाइनिंग फैब्रिक का प्लेन पीस लेना है। 11x15 का ये हमें एक प्लेन पीस लेना है। ये हमने 50 इंच के 2 हैंडल्स लिए हैं, 50 इंच के हमें 2 हैंडल्स लेने हैं। और ये हमने 8 इंच की जिप ली है और इसमें हमें सिंगल रनर लेना है। 11 इंच की हमें एक जिप लेनी है और इसमें भी हमें सिंगल रनर लेना है। और ये हमने 14.5 इंच की जिप ली है और इसमें हमें डबल रनर्स लेने हैं। ये हमने 18 इंच की जिप ली है और इसमें भी हमें डबल रनर्स लेना है। और ये हमने 28 इंच की जिप ली है और इसमें भी हमें डबल रनर्स लेना है। 1.5x14.5 का ये हमें एक क्वल्टेड पीस लेना है। सबसे पहले हम 8x12 के ये दोनों प्लेन पीसेस लेंगे और 8 इंच की जिप लेंगे। प्लेन पीस में हम जिप को अटैच करेंगे। देखिए जिप का राइट साइड और प्लेन पीस का राइट साइड दोनों एक साइड में होगा और ये जो लाइनिंग फैब्रिक है इसको हम जिप के ऊपर देखिए ऐसे रखते हुए स्टिच करके इसमें हम अटैच कर देंगे। जिप को हमने देखिए प्लेन पीस के साथ में अटैच कर दिया है और अब हम ये जो प्लेन पीस है इसको बैक साइड में करेंगे और इस साइड यहाँ पर दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है और अब हम जिप की दूसरी साइड में इस फैब्रिक को देखिए ऐसे करेंगे। जिप की दूसरी साइड वाले पार्ट को हम मेन फैब्रिक में देखिए ऐसे रखेंगे और ये जो लाइनिंग फैब्रिक है इसको हम जिप के ऊपर देखिए ऐसे रखते हुए इस साइड हम अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने देखिए जिप को और प्लेन पीस को अटैच कर दिया है और अब हम देखिए जिप को इस साइड से देखिए ओपन कर लेंगे और इसको पलट कर राइट साइड कर लेंगे और इस साइड हम यहाँ पर दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। दाब सिलाई देते हुए इस साइड भी मैंने देखिए स्टिच कर लिया है और अब हम दोनों जिप वाले पार्ट को देखिए ऐसे बराबर में सेट करेंगे और इसमें हम रनर डाल लेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है और रनर को हम देखिए ऐसे बाहर की साइड में करेंगे और जिप को लॉक कर लेंगे। फिर से हम देखिए जिप को ओपन करेंगे और इसमें रनर डाल लेंगे। जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब हम देखिए इसको 1 इंच डाउन करते हुए जिप को ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे और इस साइड हम पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए प्लेन पीस को सेट कर दिया है और अब हम इसको देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर दोनों साइड से चौक से सेंटर का मार्क कर लेंगे। इसमें हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और अब देखिए हम
12 बाय 18 का ये क्वल्टेड पीस लेंगे। और क्वल्टेड पीस में हम देखिए ये 12 का साइड है और ये 18 का साइड है, तो 18 की साइड में हम यहाँ पर पहले सेंटर का मार्क करेंगे। 9 इंच पे हम देखिए सेंटर का मार्क करेंगे और सेंटर के मार्क से हम यहाँ पर 4 इंच पे देखिए इस साइड मार्क कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। और ये जो 4 इंच मार्क किया है इस साइड हम यहाँ पर 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे और इस साइड भी 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। और ये जो सेंटर का मार्क है इस साइड भी हम 9 इंच पे डाउन करते हुए सेंटर का मार्क करेंगे और इस साइड भी। और अब देखिए फ्रेंड्स सेंटर के मार्क से हम यहाँ पर 4 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे, ऐसे हमें सीधे मार्क करना है। सेंटर के मार्क से 4 इंच पे हम ऐसे सीधे मार्क कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी सेंटर के मार्क से हम 4 इंच पे डाउन करते हुए इस साइड हम ऐसे सीधे मार्क कर लेंगे। ये हमने देखिए 4 इंच पे डाउन करते हुए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से मार्क कर लिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो हमने 3 इंच पे डाउन किया है इस साइड से इस प्लेन पीस को सेंटर के मार्क से मिलाते हुए और 3 इंच पे डाउन करते हुए सेट करेंगे और पिनअप कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए पिन से सेट कर दिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स ये हम हैंडल लेंगे, ये हमने 50 इंच का हैंडल लिया है और इस हैंडल को हम ये जो हमने मार्क किया था इस मार्क वाली लाइन पे हम सेंटर में देखिए इस हैंडल को ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर पॉकेट के ऊपर देखिए ऐसे रखते हुए हम यहाँ पर पिनअप करेंगे। हैंडल को हमने देखिए इस साइड पिनअप कर लिया है। देखिए जो मार्क किया था सेंटर पे हमने 4 इंच पे, मार्क वाली लाइन पे सेंटर में हमें हैंडल को रखते हुए इसमें पिनअप करना है। और अब हम दूसरे साइड वाले पार्ट को दूसरी साइड में जो मार्क किया था उसमें भी हम सेंटर में ऐसे सेट करते हुए देखिए ऐसे सेट करेंगे और पिनअप कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए पिन से सेट कर दिया हैंडल को और हैंडल में हम इस साइड से यहाँ पर देखिए यहाँ से हम यहाँ पर 2 इंच पे डाउन करेंगे और ऐसे ही इस साइड से भी हम 2 इंच पे डाउन कर लेंगे। हैंडल को हम देखिए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टिच करेंगे और 2 इंच पे जो मार्क किया है मार्क वाली लाइन पे ऐसे हम स्टिच करते हुए इस साइड से और ऐसे इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करके हैंडल को इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे ही जो दूसरा क्वल्टेड पीस है 12 बाय 18 का इसमें भी हम मार्क करके दूसरे हैंडल को इसमें अटैच करेंगे। ये जो दूसरा हैंडल है 50 इंच का इसको हम इसमें अटैच कर देंगे मार्क करके। दोनों क्वल्टेड पीसेस में हमने देखिए हैंडल्स को अटैच कर दिया है। देखिए जो हमने 2 इंच मार्क किया था यहाँ पर हम स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से मजबूती के साथ में अटैच करेंगे, नहीं तो जब हम बैक कैरी करेंगे तो इस साइड से स्टिच लाइन ओपन होने लगती है। तो ऐसे ही हमने इसमें भी स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके 1 इंच पे ऐसे हमने स्टिच करके अटैच किया दोनों साइड से। और ये जो पॉकेट है पॉकेट के इस साइड वाला पार्ट ये ओपन रहेगा। ट्रॉली लगेज बैग में हम इसको ऐसे सेट करते हुए रख भी सकते हैं इस बैग को। तो एक जिप से हमारी साइड पॉकेट बन के रेडी हो गई है, इसको हम जिप से लॉक करेंगे। और अब देखिए हम 6 बाय 9 का ये हम क्वल्टेड पीस लेंगे और इस क्वल्टेड पीस के दोनों कॉर्नर्स को देखिए ऐसे बराबर में सेट करते हुए हल्का सा यहाँ पर हम शेप में कट कर लेंगे। बस कॉर्नर्स को हमें कट करना है और ऐसे ही इस साइड भी दोनों कॉर्नर्स को बराबर में सेट करते हुए हल्का सा हम शेप में कट कर लेंगे। चारों कॉर्नर्स पे हमने देखिए शेप में कट कर लिया है और इस क्वल्टेड पीस को हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम प्रेस करते हुए दोनों साइड से यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे। इसमें हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और अब ये हम क्वल्टेड पीस लेंगे जिसमें हमने हैंडल को इसमें अटैच किया था। तो इस पार्ट को इसमें हमें सेट करना है। तो ये जो क्वल्टेड पीस है इसको हम यहाँ पर देखिए 3 इंच पे डाउन करेंगे इस साइड से, हमने देखिए 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर दिया है। और ये जो क्वल्टेड पीस है इसको हम 3 इंच पे डाउन करते हुए और सेंटर के मार्क से देखिए ऐसे मिलाते हुए हम यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए क्वल्टेड पीस को सेट कर दिया है इसमें और अब हम चौक से राउंड में इसमें मार्क कर लेंगे।
राउंड में हमने देखिए चौक से मार्क कर लिया है और अब हम पिन को ओपन कर लेंगे। इस पर देखिए मार्क हो गया है और अब देखिए हम 1.5 बाय 14.5 का ये क्वल्टेड पीस लेंगे और 14.5 इंच की जिप लेंगे और ये हम 1.5 इंच की पाइपिंग लेंगे मेन फैब्रिक की। जिप में हमें एक साइड में पहले पाइपिंग को अटैच करना है तो जिप को हम देखिए ऐसे रखते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। इसमें इस साइड हमने देखिए पाइपिंग को अटैच कर दिया जिप में और अब हम इस पाइपिंग को देखिए ऐसे ओपन करेंगे और इस साइड यहाँ पर प्रेस करेंगे और इसको हम देखिए डबल फोल्ड करते हुए देखिए ऐसे सेट करेंगे। ऐसे रखना है हमें और स्टिच करके पाइपिंग को इस साइड से हमें लॉक करना है। पाइपिंग को हमने देखिए डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है और अब देखिए ये हम रनर्स लेंगे और इसमें हम डबल रनर्स डाल देंगे जिप में। जिप में हमने देखिए रनर्स डाल लिया है और ये हम क्वल्टेड पीस लेंगे। क्वल्टेड पीस को हम एक साइड से देखिए थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते हुए ऐसे हम सीधे स्टिच कर लेंगे। क्वल्टेड पीस को हमने देखिए एक साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है और अब देखिए ये जो जिप है जिप को हम इसके ऊपर देखिए ऐसे रखेंगे। जिस साइड हमने देखिए पाइपिंग अटैच की है और जिस साइड हमने फोल्ड करके स्टिच किया है वो दोनों साइड एक साइड में होगा और ऐसे हम रखते हुए यहाँ पर पिनअप करेंगे और ये हम पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को हम देखिए इसमें इस साइड से जिस साइड हमने पाइपिंग अटैच की है जिप में इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे और इस साइड से थोड़ा सा टर्न कर लेंगे। पाइपिंग को ऐसे सेट करते हुए स्टिच कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी पाइपिंग को इस साइड से टर्न करते हुए स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से हमने देखिए पाइपिंग को टर्न करते हुए स्टिच कर लिया है और अब हम देखिए इसको ऐसे ओपन करेंगे और ये जो पाइपिंग है पाइपिंग को इस साइड से डबल फोल्ड करते हुए ऐसे हम देखिए सेट करेंगे और स्टिच करके साइड से हम स्टिच लाइन को कवर कर देंगे और ऐसे इस साइड भी ओपन करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से हमने देखिए पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है और अब हम इसको ऐसे टर्न करेंगे फ्रंट साइड में और दोनों स्टिच लाइन को मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप करेंगे और जिप वाले पार्ट को हम देखिए ऐसे सेट करते हुए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे। दोनों साइड से हमने सेंटर का मार्क कर लिया है। देखिए जिस साइड से हमने फोल्ड करते हुए क्वल्टेड पीस को स्टिच किया है पाइपिंग में हम दोनों साइड से चौक से सेंटर का मार्क करेंगे और इस साइड से हमने कट लगा कर मार्क किया है। आप चाहे तो दोनों साइड से चौक से मार्क कर लीजिए और ये हम क्वल्टेड पीस लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे। दोनों सेंटर के मार्क से मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी देखिए जिस साइड हमने फोल्ड करके स्टिच किया है उसके दूसरे साइड वाले पार्ट को हमें क्वल्टेड पीस में अटैच करना है तो दोनों सेंटर के मार्क को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। इसको हम देखिए क्वल्टेड पीस को ऐसे सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे और जो स्टिच लाइन है उसे हम पाइपिंग से कवर कर लेंगे। पीस पे हमने देखिए राउंड में स्टिच करके जिप वाले पार्ट को अटैच कर दिया है और स्टिच लाइन को देखिए पाइपिंग से कवर कर दिया है और अब हम इसको देखिए ऐसे टर्न कर लेंगे राइट साइड में और ये हम क्वल्टेड पीस लेंगे जिस पे हमने इस क्वल्टेड पीस को रखते हुए मार्क किया था तो इसको हम इसमें देखिए ऐसे सेट करेंगे। ये जो सेंटर का मार्क है और इस मार्क को जो हमने पाइपिंग में यहाँ पर सेंटर का मार्क किया था और इस मार्क को और ये जो मार्क किया था राउंड में मार्क वाली लाइन से अंदर की साइड में हम सेट करते हुए यहाँ पर हम पिनअप करेंगे और इस साइड भी जो हमने सेंटर का मार्क लगाया था और इस सेंटर के मार्क को देखिए ये जो राउंड में मार्क किया था यहाँ पर ऐसे सेट करते हुए सेंटर के मार्क से मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए सेट कर दिया इस पॉकेट को और अब हम देखिए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और राउंड में स्टिच करके इस पॉकेट को क्वल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। राउंड
राउंड में स्टिच करके हमने देखिए इस पॉकेट को इसमें अटैच कर दिया कुर्ते पीस में, और एक जिप से हमारी साइड यहाँ पर पॉकेट देखिए इसमें अटैच हो गई है। इसको हम फिर से लॉक करेंगे और अब देखिए हम 12x18 का ये हम प्लेन पीस लेंगे और ये हम 11x15 का प्लेन पीस लेंगे और इसको हम देखिए 11 की साइड में ऐसे देखिए फोल्ड करेंगे और सेंटर से ऐसे प्रेस कर लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड सेंटर के मार्क से हम यहाँ पर 1 इंच पे डाउन करेंगे। और अब देखिए फ्रेंड सेंटर के मार्क से हम 5 इंच इस साइड मार्क करेंगे और इस साइड यानी हम 10 इंच पे सीधे मार्क कर लेंगे। और मार्क वाली लाइन से हम देखिए 1/2 इंच इस साइड ऐसे मार्क करेंगे और ऐसे इस साइड भी मार्क करते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए हमने बॉक्स बना लिया है और अब ये हम प्लेन पीस लेंगे और इस प्लेन पीस को हम 18 की साइड में देखिए फोल्ड करके इसमें सेंटर का मार्क करेंगे और सेंटर के मार्क से हम यहाँ पर 2.5 इंच पे डाउन करेंगे और इस प्लेन पीस को हम देखिए 2.5 इंच पे डाउन करते हुए और सेंटर के मार्क से मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो हमने मार्क किया है मार्क के चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है और अब हम देखिए जो सेंटर में हमने मार्क किया था 10 इंच पे मार्क वाली लाइन पे ऐसे कट लगा लेंगे और प्लेन पीस को हम देखिए ओपन करेंगे और अब हम सीधे कट करते हुए दोनों कॉर्नर्स पे वी शेप में कट कर लेंगे। सीधे कट करते हुए हमने दोनों कॉर्नर्स में वी शेप में कट कर लिया है और अब हम प्लेन पीस को बैक साइड पे पिनअप कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए पिन से सेट कर दिया है और अब ये हम 11 इंच की जिप लेंगे और जिप को हम ऐसे रखेंगे और फ्रंट साइड में आएंगे। जिप को हम देखिए ऐसे सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस में अटैच कर देंगे। जिप को हमने देखिए प्लेन पीस में अटैच कर दिया है और अब हम बैक साइड में आएंगे और पिन को ओपन कर लेंगे और प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे टर्न करेंगे। इसको हम देखिए प्रेस कर लेंगे ऐसे और प्लेन पीस को हम 3 साइड से स्टिच करके लॉक कर देंगे और ये जो पार्ट है इसको हम देखिए ऐसे हटाते हुए स्टिच करेंगे और प्लेन पीस को लॉक कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए स्टिच करके अटैच कर दिया है और इस साइड हमारी एक जिप से पॉकेट बन के रेडी हो गई है। और अब हम ये क्विल्टेड पीस लेंगे और क्विल्टेड पीस में हम देखिए हैंडल को देखिए डाउन करेंगे और ये हम 18 इंच की जिप लेंगे। जिप को हम क्विल्टेड पीस पे देखिए ऐसे रखेंगे दोनों राइट साइड एक साइड में ऐसे रखते हुए हम ये प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस को हम जिप वाले पार्ट के ऊपर देखिए ऐसे रखते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। प्लेन पीस और जिप को हमने देखिए इसमें अटैच कर दिया क्विल्टेड पीस में और अब हम प्लेन पीस को देखिए बैक साइड में करेंगे और इसको हम ऐसे सेट करेंगे। स्टिच लाइन पे प्रेस करते हुए हम फ्रंट साइड में यहाँ पर डार्क लाइन देते हुए स्टिच करेंगे और ऐसे हम स्टिच करके प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। क्विल्टेड पीस पे हमने देखिए डार्क लाइन देते हुए राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है और अब हम जिप की दूसरी साइड में दूसरे क्विल्टेड पीस को अटैच कर देंगे। देखिए ये क्विल्टेड पीस लेंगे और जिस साइड हमने हैंडल अटैच किया है उस साइड ये जिप वाला पार्ट देखिए ऐसे सेट करते हुए इसके ऊपर हम ये दूसरा प्लेन पीस लेंगे 12x18 का। इसको हम जिप वाले पार्ट के ऊपर ऐसे रखते हुए इसको भी हम स्टिच करके अटैच कर देंगे। इसको प्लेन पीस और क्विल्टेड पीस को हमने देखिए जिप की दूसरी साइड में अटैच कर दिया है और अब हम इसको भी देखिए ऐसे ओपन कर देंगे और इस साइड हम देखिए प्लेन पीस को सेट करते हुए इसमें भी हम देखिए डार्क सिलाई देते हुए राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने देखिए डार्क सिलाई देते हुए राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में देखिए अटैच कर दिया है और अब देखिए फ्रेंड्स हम जिप को ओपन करेंगे और इसमें हम रनर्स डालेंगे। जिप में हमने देखिए रनर्स डाल लिया है और अब हम देखिए क्विल्टेड पीस की साइड में इस साइड से यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करेंगे और ऐसे इस साइड भी हम 6 इंच पे मार्क कर लेंगे
दोनों साइड से हमने देखिए मार्क कर लिया है और ये हम स्टेप लेंगे। ये हमने 4 इंच की स्टेप ली है। इस स्टेप को स्टिच करने के लिए हमने 3x4 का प्लेन पीस लेके डबल फोल्ड करते हुए दोनों साइड से स्टिच करके इसको रेडी किया है और इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर से इसको कट कर लेंगे और ये हम डी रिंग सुनेंगे और डी रिंग में हम इस बेल्ट को देखिए ऐसे रखेंगे और ये जो मार्क किया है मार्क वाले पॉइंट पे हम सेंटर में रखते हुए इस साइड इसको इसमें अटैच कर देंगे और ऐसे इस साइड भी यहाँ पर डी रिंग के साथ में इस बेल्ट को अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए डी रिंग के साथ में अटैच कर दिया स्टेप को और अब ये हम 12 इंच की स्टेप लेंगे और इसको हम देखिए सेंटर से फोल्ड करके इसको कट कर लेंगे। और इस स्टेप को हम जिप के ऊपर देखिए ये जो जिप है जिप के ऊपर ऐसे रखेंगे और स्टिच करके अटैच कर देंगे और ऐसे इस साइड भी इस स्टेप को जिप के ऊपर रखते हुए अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने देखिए स्टेप को दोनों साइड से अटैच कर दिया है और अब हम इस कुटेड पीस को देखिए ऐसे टर्न करेंगे और दोनों पार्ट्स को देखिए साइड से बराबर में सेट करते हुए यहाँ पर हम पिन अप करेंगे और ये हम पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग के साथ हम दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे। देखिए ऐसे करते हुए हम इस साइड से पाइपिंग को टर्न करेंगे और स्टिच करके साइड से अटैच कर देंगे और ऐसे इस साइड भी पाइपिंग को टर्न करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे दोनों साइड से। दोनों साइड से हमने देखिए पाइपिंग को टर्न करते हुए अटैच कर दिया कुटेड पीस को और अब हम देखिए पाइपिंग को ओपन कर लेंगे और इसको हम देखिए डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लाइन पे ऐसे रखेंगे और स्टिच करके लॉक कर देंगे और ऐसे ही साइड भी पाइपिंग को हम स्टिच कर लेंगे। पाइपिंग को हमने दोनों साइड से देखिए लॉक कर दिया है और अब देखिए फ्रेंड्स इसको ओपन करेंगे और ये जो हमने स्ट्रैप इसमें अटैच की है ये जो स्ट्रैप है इसको हम इस स्टिच लाइन पे ऐसे करेंगे और ये जो स्टिच लाइन है इस पे हम इस स्ट्रैप को ऐसे सेट करेंगे और पिन अप कर लेंगे। फिर से हमने देखिए स्ट्रैप को सेट कर दिया है और अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और जिप को लॉक करेंगे और कुटेड पीस को हम देखिए ऐसे ओपन कर लेंगे। कॉर्नर को हमें स्टिच करना है साइड से। देखिए कुटेड पीस को हमने ऐसे ओपन किया और जिप वाली साइड में हम 1/2 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और इस साइड हम स्टिच करके इस साइड से लॉक कर देंगे और ऐसे इस साइड भी पहले स्टेप को हम पिनअप करेंगे इसके बाद इस पर मार्क करके स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए मार्क करके कुटेड पीस को इस साइड से देखिए लॉक कर दिया है और अब हम इसको पलट कर राइट साइड कर लेंगे। कुटेड पीस को पलट कर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है और स्टेप में जो हमने पिन लगाई थी इसको ओपन कर लेंगे और ये पार्ट देखिए इस साइड से ऐसे हमारा सेट हो जाएगा। स्टेप देखिए सेंटर में सेट हो जाएगी जिसको हम लॉक करेंगे और अब देखिए हम 7x11 का ये प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस को हम देखिए 7 की साइड में फोल्ड करके इसमें हम दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लेंगे। इसमें हमने दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लिया है और इस प्लेन पीस को हम यहाँ पर देखिए ऐसे सेट करेंगे। ये जो स्टिच लाइन है और इस साइड जो हमने सेंटर का मार्क किया था दोनों पार्ट्स को ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी एक स्टिच लाइन पे और कट को दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए पिन अप कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए हम राउंड में स्टिच कर लेंगे और प्लेन पीस को कुटेड पीस के साइड से अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया कुटेड पीस पे। देखिए ये पार्ट ऐसे हमारा इसमें सेट होगा और अब देखिए हम 4x28 का ये कुटेड पीस लेंगे और ये हम 28 इंच की जिप लेंगे। जिप को हम कुटेड पीस में देखिए ऐसे रखेंगे दोनों राइट साइड एक साइड में ऐसे रखते हुए हम स्टिच करके अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई देंगे। जिप को हमने देखिए कुटेड पीस में अटैच कर दिया है और अब ये रनर्स लेंगे और जिप में हम रनर्स डाल लेंगे
जिप्पे में ही रनर्स डाल लिया है। 5x8 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और क्विल्टेड पीस के ऊपर हम जिप वाले पार्ट को देखिए ऐसे रखेंगे इस साइड, और ये हम पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग को हम जिप वाले पार्ट के ऊपर रखते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे, और ऐसे ही जिप की दूसरी साइड वाले पार्ट को हम दूसरी साइड में यहाँ पर पाइपिंग के साथ में अटैच कर देंगे दोनों पार्ट्स के। जिप वाले पार्ट को हमने दोनों साइड से देखिए पाइपिंग के साथ में अटैच कर दिया है, और अब हम खुद जिप वाले पार्ट को देखिए ऐसे सेट करेंगे और इस क्विल्टेड पीस की साइड में हम पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके लॉक कर देंगे, और ऐसे ही साइड भी हम स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से हमने देखिए पाइपिंग को स्टिच कर लिया है, और अब देखिए फ्रेंड्स इसको पहले हम पलट कर राइट साइड करेंगे और दोनों स्टिच लाइन को देखिए मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप करेंगे। इनसे हमने देखिए सेट कर दिया क्विल्टेड पीस को, और अब देखिए हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे और दोनों साइड से इसमें हम सेंटर का मार्क कर देंगे। जिप वाले पार्ट पे हमने सेंटर का कट लगा लिया है, और अब देखिए फ्रेंड्स हम ये क्विल्टेड पीस वाला पार्ट लेंगे और इस जिप को हम देखिए ओपन करेंगे। जिस साइड हमने देखी इस क्विल्टेड पीस को अटैच किया है उसको हम इस साइड अटैच करेंगे जिस साइड हमने ये पॉकेट अटैच की है, तो इसको हम देखिए पहले बैक साइड में टर्न कर लेंगे। इसको हमने देखिए बैक साइड में कर लिया है, और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो पार्ट है इस क्विल्टेड पीस को हम देखिए ऐसे दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए ऐसे फोल्ड करके इसमें हम यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे, और ऐसे इस साइड भी कि ये दोनों कॉर्नर्स जो हैं इन दोनों कॉर्नर्स को देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें ऐसे हम मिलाएंगे, और इसमें भी हम सेंटर का मार्क कर देंगे। इसमें भी हमने देखिए दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर दिया है, और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो क्विल्टेड पीस है इसको हम इसमें ऐसे रखेंगे, ऐसे अंदर की साइड में करेंगे और जिप वाले पार्ट को इसमें देखिए ऐसे रखेंगे। दोनों राइट साइड देखिए एक साइड में होगा, और ये जो क्विल्टेड पीस है उसको हम बैक साइड वाले पार्ट में अटैच करेंगे। ये बैक साइड वाला पार्ट है, तो इसमें हम देखिए सेंटर के मार्क से मिलाते हुए पिनअप करेंगे, और इस साइड जो हमने जिप में सेंटर का मार्क किया था इस मार्क को और इस मार्क को दोनों मार्क को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। जिप वाले पार्ट को हम देखिए सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे, और जो स्टिच लाइन है उसे हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। में स्टिच करके हमने देखिए दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है, और स्टिच लाइन को देखिए पाइपिंग से कवर कर दिया है, और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो पार्ट है इसको हम ऐसे फोल्ड करके इसमें अंदर की साइड में ऐसे सेट करेंगे। 7x11 का क्विल्टेड पीस लेंगे, और इसको हम देखिए 11 की साइड में फोल्ड करके दोनों साइड से इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे। क्विल्टेड पीस में हमने दोनों साइड से मार्क कर लिया है, और अब हम देखिए इसको ऐसे रखेंगे। दोनों राइट साइड एक साइड में होगा, और ये जो सेंटर का कट लगाया था इस कट को और इस कट को मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप करेंगे, और ऐसे इस साइड भी दोनों कट्स को मिलाते हुए पिनअप करेंगे। इस क्विल्टेड पीस को भी हम देखिए ऐसे सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे, और जो स्टिच लाइन है उसे हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। इस क्विल्टेड पीस को भी हमने देखिए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है, और स्टिच लाइन को देखिए पाइपिंग से कवर कर दिया है, और अब हम देखिए जिप को ओपन करेंगे और इसको पलट कर राइट साइड। क्विल्टेड पीस को पलट कर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है, और अब देखिए हम जिप को इस साइड से यहाँ से ऐसे लॉक कर देंगे। देखिए ये पार्ट बॉटम की साइड में ऐसे सेट हो जाएगा, और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो हमने स्ट्रैप अटैच की थी इसमें हमें ये डिटैचेबल हुक्स लेने हैं, और इसमें हमें अटैच करना है।
बेल्ट को अंदर की साइड में करेंगे और इस साइड बेल्ट को देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ऐसे सेट करते हुए स्टिच करके लॉक कर देंगे और ऐसे ही स्टिच एज पर हुक को दूसरी बेल्ट में हम सेट करते हुए अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमें देखिए डिटैचबल हुक को इसमें अटैच कर दिया बेल्ट में और ये जो डिटैचबल हुक है इसको हम इस ट्यूबिंग में ऐसे देखिए सेट कर लेंगे। ऐसे हमारा सेट हो जाएगा और ऐसे इस साइड भी देखिए ऐसे दोनों साइड से सेट हो जाएगा और अब हमारा ये बैग बन के रेडी हो गया है। देखिए फ्रंट साइड में एक ही पॉकेट है और बैक साइड में एक जिप्सी पॉकेट है और इस साइड के अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है और एक इनर पॉकेट हमारी इस साइड से है। इसको हम देखिए जिप्सी लॉक करेंगे और बॉटम की साइड में हम देखिए इसको ओपन करेंगे और ये पार्ट देखिए पूरा हमारा ऐसे ओपन होगा। इसमें आप शूज़ है सैंडल्स वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा सामान इसमें सेट करते हुए आप रख सकते हैं। इसको हम देखिए जिप से लॉक कर देंगे और इस बैग को देखिए बैक साइड में जो हमने पॉकेट अटैच की है इस साइड से आप इसमें ट्रॉली वाले लगेज बैग में आप इसको इसमें सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये बैग बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ है। इसको स्टिच करके आप ट्रेवल के लिए या शॉपिंग के लिए किसी भी यूज़ में ला सकती हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा डबल पोर्शन बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।